भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही ऊपर हो। ये जिंदगी जीने के लिए ही है। लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में इसे बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में आप उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन वही आपको जिंदगी भर दुआएं भी दे जाता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करते इतना नहीं थकता जितना चिंता व क्रोध करके एक ही क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब बारी साथ देने की आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। वो आपके साथ आज है, कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सभी को माफ कर दिया करो, और फिर तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही उसको सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, आप बस अपने आप को शांत रखो। रिश्तों को हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाया जाता है, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। डर रखिए, वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है, सीत पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है, यदि विषधर के मुख पे गिरे तो वह विष बन जाती है। बूंद एक ही है, बस उसे प्राप्त करने वाले भिन्न है। इसलिए ये आप पर ही निर्भर करता है कि आपको विष चाहिए या अमृत। हम अक्सर वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं। यह विश्वास ही है जो ये निर्धारित करता है कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फिर फल भी आपको सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव की मिट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधाओं में होते हैं और सही निर्णय कभी भी नहीं ले पाते। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए और सदा ही सुदृढ़ निर्णय लेने चाहिए। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता ये दोनों नाजुक होते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से और रिश्ता गलत फहमी से टूट जाता है। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही मिलते हैं। इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो
औरों से नहीं, अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग भला कहां साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिस बात पर दिल कांप जाता है ऊपर वाला उसी बात पर आजमाइश करता है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जितना सहना था, अब सबको नजर अंदाज करके जीना है। जिंदगी से एक सबक सीख ही लिया है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे कोई समझने वाला एक खुले दिल का इंसान हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसे सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिरा देना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ ही रहती है। परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। हमें कभी कभी अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण का एक साधन आवश्यक है, किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। प्रकाश का ये स्रोत हमारे शुभ कर्मों का ही चेतना है। यदि आपको अपने शुभ कर्मों को करने की इच्छा है तो आपको कभी कर्मों का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान का स्वभाव तो ऐसा है कि कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा तो तभी दुख होता है जब कोई अपना ही बदल जाए। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में ही होती है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान की तलाश करोगे तो तुम सदा अकेले ही रह जाओगे। कि प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान तो वो उधार है जो सूत समेत वापस लौटता है। जिंदगी में कदम कसम और कलम सोच समझ कर उठाओ। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी लेते हैं। अपनी जुबान को काबू में रखने वाला हमेशा फायदे में रहता है। याद रखना कि लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। सबसे अच्छा इंसान तो वो होता है जो ऐसे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करता है जिससे उसे भी कोई उम्मीद होती ही नहीं है। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वो बुरे माहौल में भी अच्छाइयां ढूंढ ही लेता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो अच्छे माहौल से भी वह कुछ भी नहीं सीख पाता। कैसे पता करें कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? सरल सा उत्तर है इसका, जो ईश्वर से दूर करे वो सजा है और जो ईश्वर के नजदीक ले आए वो इम्तिहान है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान का इम्तिहान हमेशा पसंदीदा चीजों के जरिए ही लिया जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।